आज हमारे साथ हैं फिल्मों में सैनिकों का पुरुषार्थ दिखाने के लिए अपनी पहचान बनाने वाले और फिल्म और सेना को जोड़ने वाला एक पुल जिसे कह सकते हैं, मेजर रवि। मेजर रवि, वेब दुनिया की ओर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी यात्रा बड़ी रोमांच भरी है। एक सैनिक जो सैनिक स्कूल में भर्ती होता है, कमांडो बन के बाहर निकलता है, फिर एक बहुत बड़े बहुचर्चित ऑपरेशन का हिस्सा होता है और फिर उस ऑपरेशन पे खुद ही फिल्म बनाता है और फिर फिल्मों से इतना जुड़ जाता है कि उसके अंदर सैनिक कितना है और फिल्म कितनी है समझना मुश्किल हो जाता है। आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सैनिक स्कूल में तो भर्ती होने का किस्मत हमारे नसीब में नहीं था, वाई बिकॉज हम तो एक केरला के एक छोटा सा गांव से, तो वहाँ तो उन दिनों में तो इतने ज़्यादा तो एक्सपोजर नहीं होता था कि सैनिक स्कूल होता है या फौज में क्या होता है, नथिंग इज एनडीए क्या होता है, कोई भी चीज़ के बारे में हमें तो इतना खबर नहीं होता है। बट मेरे लिए, मेरा जो फादर का फैमिली जहाँ पे इट वॉज अ जॉइंट फैमिली, हमारा वहाँ बड़ा सा कोठी होता है, उसमें पूरी फैमिली उसी में रहता है। मेरा द होल फैमिली वॉज फ्रॉम द आर्मी। ओके। फादर का बड़ा भाई नेवी में ऑफिसर था, फादर वॉज अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोल्जर, बट देन उन्होंने फौज छोड़ के वापस आके खेती बाड़ी में तो लग गया था, बिकॉज समबडी हैड टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टीज। फिर भाई फादर का छोटा दोनों भाई फौज में और दोनों सिस्टर्स का हस्बैंड वो भी फौज में थे। फैमिली में क्या है कि छुट्टियों में ये लोग यूनिफॉर्म पहन के आते थे, आने के बाद में तो यूनिफॉर्म कमरे में टांगता है, तो समटाइम्स जब वो लोग नहीं होता है वो शर्ट के अंदर घुसने का कोशिश तो करता है भाई, बिकॉज इट इज टू बिग, बट हम तो फिर भी अच्छा लगता था। बट देन दूसरी चीज उन दिनों में ऐसा था कि जो पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्प नहीं है, तो फिर वो आदमी के लिए आसानी से एक नौकरी मिले वो फौज है। अच्छा, ये भी था कि भाई युवा करियर नहीं है तो नहीं है सेना में जाओ, बिकॉज 10 साल में फेल काफी था, 10वीं क्लास फेल है तो, और वो क्वालिफिकेशन हमारे में भी था, मैं 9th में भी फेल हो गया और 10th में पढ़ाई की वजह, तो देन सीधा भर्ती होने का कोशिश तो किया। तभी पता चला कि अरे यार ये 37 kg वजन लेके तो फौज में भर्ती नहीं हो सकता, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड जब मैं फेल हुआ था उस टाइम में मेरा वजन और हाइट वेट वगैरह देखा जाए तो इट वॉज ओनली 37 kg सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, और हाइट हाँ तकरीबन ठीक था। बट देन जब घर से बाहर आके बॉम्बे में एक आधा महीना घूमने के बाद में जब फौज में नेवी में भर्ती नहीं हो पा रहा है, हर टेस्ट फेल हो रहा है, घूमता रहा, होटलों में काम किया, उधर काम किया, इधर काम किया, घर से तो भाग तो निकल तो पड़ा, फिर अभी क्या है। देन फादर का जो छोटा भाई जो था जो फौज में आर्टलरी में थे, वो क्लर्क था बाबूजी, तो सूबेदार था, उन्होंने सडनली बुलाया कि और बोला मेरा यूनिट का एक वैकेंसी है और तू आके देख ले। फिर तो जाके देखा, पता नहीं करेक्ट वेट 52 kg, चेस्ट जितना चाहिए 32-34, हाइट जितना चाहिए उतना हाइट भी है, सब कुछ होके भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद में एक रिक्रूट नॉर्मल सादा सिपाही नासिक रोड में भर्ती हुआ था, झांसी में भर्ती हुआ था और उसके बाद में नासिक रोड में आ गया था। नासिक मेरा हाँ चाचा का जो यूनिट है वो बबीना में था उस टाइम पे, तो वहाँ जाके भर्ती होके फिर सीधा आ गया नासिक रोड में, देन लाइफ वहाँ से शुरू होता है। पर देन 3 साल का अंदर फौज में भर्ती होने के बाद में 3 साल का अंदर मैं ऑफिसर बनने लायक हो गया था। वाई? बिकॉज मेरी 10th मैंने क्लियर कर लिए, प्री डिग्री क्लियर कर लिया, दैट इज आर्मी हायर सेकेंडरी, और बीए फर्स्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा था, दैट वाज अ टाइम आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए एग्जाम लिखने के लिए। तो एक छात्र जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो सेना में आके उसको ऐसा क्या हुआ कि वो पढ़ाई में भी ठीक हो गया, पढ़ाई भी पूरी कर ली, तो सेना का प्रभाव कुछ ज्यादा ही, मतलब आप सेना के लिए बने थे? सेना के लिए बने थे जे, ऐसा है जिंदगी में कभी कभी क्या हो जाता है, हम जब माँ बाप हमारा सिर पे हाथ रखा हुआ है, उनका छत्रछाया में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, हमारा उस उम्र में
यही सोचते कि माँ बाप तो परेशानी कर रहे हैं यार, ये तो क्यों तंग कर रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, करियर बनाओ, करियर बनाओ, अच्छा बनो, जब लड़ाई झगड़ा मत करो। अरे यार इनका दिमाग क्या, आप थे भी केरल की उन खूबसूरत हरी वादियों में, तो केरल जितना हरा है देश में तो उतना बहुत कम राज्यों को सुख प्राप्त है। तो हमारी तो जिंदगी तो बहुत बढ़िया था, सो उसमें क्या हो जाता है, पढ़ाई क्या मास्टर जी भी वो उन दिनों में, क्योंकि हमारे स्कूलों में मास्टर हैज गॉट ऑल द राइट टू बैचलर। यस, आजकल की दुनिया में आप गाली दे दो, मास्टर जी ने गाली दे दिया तो उसके ऊपर कोर्ट में कोर्ट के केस हो जाए। पहले नहीं था, हमने भी बैत खाई था। यस, हमने भी बैत खाई, मार खाई, तब हम पढ़े। तभी तो हमारा जो संस्कृति वो चेंज होते जा रहा है। आजकल वी हैव बिकम सो सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा, बस वही मेरा ही है, हमारा कहता नहीं। उन दिनों में हमारा फैमिली क्या था, हमारा फैमिली था। ओके, फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स बच्चे बच्चे सब हमारा था। आज क्या, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चे, और मेरा स्वार्थी हो गए हम, स्वार्थी हो गए। तो मेरा पेरेंट्स के बारे में हम बोलता नहीं। तो उस स्वार्थता से, अभी जो स्वार्थता से ये सब कुछ हो गया, बट उन दिनों में क्या था, फौज में आ गया और उसके बाद में फौज में पढ़ाई करने का मन किया, बिकॉज अरे यार मेरा फादर वाज टेलिंग मी टू स्टडी, दैट टाइम आई नेवर स्टडी, व्हाई नॉट, राइट। बट देन आर्मी हैड गिवन मी एक्सट्रीमली, बिकॉज आप फौज के बारे में अगर मैं बोलूं तो आप तीन दिन मेरे को, मेरे से फौज के बारे में बोलने के लिए बोलो तो मैं बोलते ही रहूंगा। बिकॉज आज अगर आपके सामने इंदौर में यहाँ आ गया मैं, और आपके सामने आके आपने सुन के, अच्छा मेजर अभी आया हुआ है इधर बुला के आपका दुनिया में इंटरव्यू ले रहे, तो दैट मींस एक नाम तो मैंने कमा लिया। हाँ बिल्कुल। वो नाम क्यों कमाया, मैंने कोई चोरी चकरी नहीं किया, ना कोई मर्डर नहीं किया, मैं कोई नॉन गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया है। इनडायरेक्ट आई मीन नॉन फेमस आदमी का भी टीवी में फेस आता है, फेमस आदमी का, because I'm proud that you called me as an army officer turned into film director and all that. मैं यहाँ आपको रोक के मेजर रवि एक और बात बोलूंगा, न केवल आपने नाम कमाया है बल्कि आपने जो काम किया है सेना छोड़ने के बाद, उसके बाद आपने अपने जैसे कई मेजर रवि तैयार किए, क्योंकि आपकी फिल्म देख के लोगों को लगा कि यार सेना जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेना में लोगों की कमी है, सेना में हमेशा भर्ती होती रहती है और उसमें लोगों की कमी रहती है, क्योंकि लोगों को लगता है जान का खतरा है, माँ बाप आजकल अपने बेटे को सेना, लेकिन आपकी फिल्में देख के मुझे लगता है बहुत सारे युवा जो है हिंदुस्तान के वो सेना में भर्ती, क्योंकि आपने सेना के शौर्य को एक अच्छी तरीके से ग्लैमराइज किया है और प्रस्तुत किया है देश की जनता के सामने। बिकॉज जो फौज ने मेरे को, जब फौज में मैंने भर्ती हुआ था उस टाइम पर मेजर अभी कोई पेट्रियोटिक आदमी नहीं था। यस, देश प्रेम है, बट वो इतनी ब्लड में घुसा हुआ नहीं। उस टाइम पर वो तनखे के लिए घुसा है, 210 रुपए तनखा मिलता था। अच्छा ठीक है, मैं 75 की बात कर रहा हूँ, 210 रुपए के लिए घुस गया। पर उसके बाद में जब कसम परेड होता है, एक साल के बाद में कसम परेड होके, कसम परेड, हाँ नमक, हम पंडित जी आके घन के सामने कसम खिलाते हैं, देश के लिए हम मन मिटने के लिए तैयार है। सच्ची बताऊं तो बिना हमारा नॉलेज का हमारा ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लगता है कि मैं तो वाकई में मैं मर जाऊंगा देश के लिए, इतना वो ट्रेनिंग, जज्बा, वो ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग क्या होता है, वहां जाते ही हमारा दोस्त, अगर आप हमारा दोस्त है वहां पे, मेरा स्क्वाड में है, आपने अगर गलती किया तो भी हमारा ये पूरा 14 आदमी को पनिशमेंट मिल जाता है। उसमें क्या हो जाता है, हम हमेशा आपको गाली देगा, अरे तेरे वजह से हमको तो पनिशमेंट मिल गया है। यस, बट टुमारो मेरे वजह से आप भी ले रहे हैं पनिशमेंट। इसमें क्या होता है, कॉमरेडरी डेवलप होता है। पनिशमेंट आज, फिर बाद में पूछता नहीं किसकी वजह से, बस करना है किसी, तो किसके किसी को भी, तो गलती टीम भाव किसी से भी हो सकता है। ओके, ये फौज ने हमें सिखाता है। उसके बाद में अपने आप, देन वी आर नॉट लिविंग फॉर आवर सेल्फ, हम हमारे लिए नहीं जी रहे, टीम, नेशन, ग्रुप, नेशन के लिए जी रहे। राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग आर्मी गिव्स। तो डोंट यू थिंक दैट वी शुड सैल्यूट द आर्मी ऑलवेज, दिस काइंड ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग मेरे जैसे आदमी के अंदर घुसने के बाद में, अब अगर मेरे देश के बारे में मेरे सामने आपका मजा लेके, अब आप एक लफ्ज बोलिए,
सवाल है तो सवाल ही नहीं होता ना, अगर मैं मर जाऊं तो भी मैं आपको तो खत्म कर ही लूंगा। वो सैनिक अंदर जिंदा रहता है हमेशा, सैनिक नॉट ओनली द सैनिक, कोई भी देशभक्त आदमी जो है वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आपका देश के बारे में किसने उल्टा सीधा बोल दिया। Listen, my dear boys. As usual, Janim team leading hit ayirikkum. Operation enikku endengilum sambhavichal, even if it is over my dead body, then you people take on and accomplish the mission. Don't let down the commandos. Move! I know about Major Mahadevan. Sensitive issue, so we got to do the operation intelligently. Poonjolai kiliye ponmalai nilave poomalai adage kangal teetiye kavithaye Kashmir mein aise hazar aadmiyon ko aatankwadiyon ne maar diya, usme 69,000 musalman hain. Ye jihad hota hai kya? Hatya karne walon ko madad karna jihad nahi hota hai. മനുഷ്യാവകാശം നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ കമാൻഡോസ്. ഓക്കെ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ധർത്തി പർ ജോ ഭീ ചുപ്കെ ആയാ ഹൈ യാ ഹിമ്മത് കെ സാത്ത് സബ്കി ഛാതി പർ ഗോലി മാർകർ ഖഡി ഹൈ ഹമാരി ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഫൗജ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി, ഇത്രയും കാലം സെല്യൂട്ട് തന്ന് ആദരിച്ച ആ സഹപ്രവർത്തകന് വേണ്ടി, അയാളുടെ മൃതദേഹം യാത്രയാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കടമ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ആദരവോടെ അവസാനമായി നൽകുന്ന ഒരു സല്യൂട്ട്, അതും കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം വിശദീകരണം. That's all for now. I'm running out, sir. ഞാൻ അവരെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സാർ, ഐ ലവ് ദം ആൻഡ് ഐ കമാൻഡ് ദം വിത്ത് പ്രൈഡ്. ബാഡ് ലോഗോ കോ അഫ്ഗാൻ ജയിൽ മേ ഫാസിലെ ഹോനെ വാലി ഹൈ, ഉൻകോ വഹാൻ സേ ജൽദ് സേ ജൽദ് നിക്കാൽ കർ മേ കശ്മീർ ജാതാ ഹൂം. ഉസ്താദി ഫുൾ ഡെൽറ്റാ കമാൻഡോസ് ആർ ഡാൻസിംഗ് ഫോർവേർഡ്, ബാക്ക് സൈഡ് കവേർഡ്. മേരാ കശ്മീർ. आपकी बात से मुझे एक और महत्वपूर्ण बात जो समझिए कि सेना में जाके जाति धर्म संप्रदाय भी खत्म हो जाता है, वहां सिर्फ आप सैनिक हैं और आप देश के लिए हैं. एग्जैक्टली, वहां जो हमारा मंत्री जो होता है, आप लोग तो एटलीस्ट यू विल बी नोइंग इट नॉर्थ इंडिया में, बट केरला वगैरह में तो किसी को पता ही नहीं है. हमारा फौज में जो मंदिर होता है, हम अगर एथलेटिक्स में तो स्पोर्ट्समैन था, अच्छा, कोई भी गेम फाइनल के लिए जाने से पहले हम मंदिर परेड के लिए जाता है. मंदिर हमारा सब कुछ परेड का ऊपर होता है, बड़ा खाना भी है तो वैसे जो भी सब परेड है. तो मंदिर परेड के लिए जाते वक्त हम में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनी है, सब कुछ है. वो मंदिर क्या होता है, उसके अंदर ये सब कुछ है, तीनों एक ही छत के नीचे. अगर वहां वो तीनों एक छत के नीचे रह सकता है, वो आपस में भगवान लोग लड़ाई नहीं कर रहा है तो हम फौजी लोग लड़ाई नहीं कर रहा है, ये बात क्यों हमारे हिंदुस्तान में हर दुनिया में हर लोग सीखते नहीं है? आप तो सीखने नहीं कर रहे हैं. आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं सिर्फ चाहता हूँ कैमरे में हमारे दर्शकों को आप ये बात. मैंने तो यही कह रहा हूँ, बिकॉज जब ये फौज में एक छत के नीचे हर भगवान एक छत के नीचे रह सकता है, और हम सब लोग जाके हर एक उनसे मन्नत मांगते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं. मैं एक फौजी होते हुए ये सोचता हूँ, ये तीनों भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे, तो आपकी जो आपका ऊपर जो आशीर्वाद है वो इतना तगड़ा है, देश मजा है कोई दुश्मन हमारा देश में घुसे. बिकॉज इस चीज से जो स्पिरिट जो है हमारे फौजियों में जो है, वो स्पिरिट हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में, एटलीस्ट हिंदुस्तान में, बिकॉज बाकियों को तो मैं बोल नहीं रहा हूं, हिंदुस्तान में दिस काइंड ऑफ स्पिरिट हैज टू बी क्रिएटेड. अभी वो क्रिएट करने नहीं देगा आपको, ठीक है. यहां जो रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, उनको जो ये सब कुछ करना है, तो ये जात भेद का भावना है, जिंदा रहना चाहिए. बट मैं फौजी
जब आप फौजी हैं तो आप कुछ नहीं है, सिर्फ फौजी कुछ नहीं, फौजी है हाँ, और देश प्रेम देशभक्त वाला आदमी है वो, जो यू नो वतन परस्ती का जो जज्बा जो है वो हमेशा दिल में रहता ही है, वो हर सांस में होता है। इट इज राधर की मैं मेरा पहले फिल्म में एक डायलॉग लिखा था, अगर आप वो कीर्ति चक्र उसका एक क्लिपिंग अगर डाल दें तो उसमें मेरा हीरो जो मोहन मिस्टर लफरंगन मोहनलाल उस टाइम पर बोलता है कि वो तो आपका मेजर महादेवन सीरीज है। सो उस महादेवन यही बोलता है कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन आई मीन ह्यूमन राइट ऑफिशियल को ये बोलता है कि आप लोग जो है आप लोगों को जो देशभक्ति तब आता है जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है या नहीं तो लड़ाई होता है, ठीक है उसके अलावा उसके अलावा, बट हम फौजी जो हर सांस पे देशभक्ति है, बहुत खूबसूरत डायलॉग है। सो ये जो बात हमारे में है यही बात हर सिविलियन का माइंड में है अगर हम गुजारते हैं, बट आप कैसे गुजारेगा। पिछले अभी 3 महीना पहले जो है एक पिक्चर देख रखा था मैं केरला में, हिंदी फिल्म, उस फिल्म में लास्ट में देशीय गान आई मीन जो जो नेशनल एंथम जो है उस इट्स अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, ठीक है। तो उसमें वो लोग उनको पता है हिंदुस्तान में कई सारे बेवकूफ ऐसा भी है जो नहीं वो सुनने के बाद में भी खड़ा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने लिख के दिखाया कि इसके सम्मान में नेशनल एंथम आ रहा है प्लीज स्टैंड अप, जो बोलना पड़ जाए वो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मलयालम में लिखा है, ठीक है। उसके बाद में भी हम सब खड़ा हो गया और उसके बाद में मेरा सामने जो एक यंग कपल बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा ओ। अभी ये 53 सेकंड जब जनगणना चल रहा है मैं रहता हूँ नीचे से तो जले जा रहा है, खून जल रहा है, मैं अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको क्या करूं मैं। बट उसके बाद में मैंने थोड़ी देर रुका, मेरा सामने साथ वाले सब नोबडी बॉदर टू आस्क हिम एनीथिंग, किसी ये है हमें रिएक्शन का जो है नहीं तो फिर वो शक्ति खत्म हो गया, हम गलत काम की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, सवाल नहीं कर सकते। मैं उसको बेचारे को ऐसे कि वेट, मैं बाकियों को मौका दे दिया, हाँ। किसी ने तो मौका नहीं का फायदा नहीं उठाया, नहीं उठाया। मैं बाहर आया तो मेरे बीवी मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, इसी नोज उनको मालूम है आप क्या करने वाले हैं। तो बाहर आया तो मैं इसी केरला में धोती और शर्ट था, नॉर्मल पैंट भी नहीं पहना हुआ था, धोती वाला केरला ड्रेस में, ऐसे कि तुम्हारी पिछवाड़ा इतना भारी हो गया क्या, एक नेशनल एंथम में तुम्हारा खड़ा नहीं हो सकता और तुम्हें उसी टाइम मिला कि तेरे को पॉपकॉर्न खाने के लिए, इतने में बोल बोल के मैं चढ़ गया उसके ऊपर, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत अच्छी तरह। और ओनली प्रॉब्लम उसके साथ उनकी वाइफ है तो वो भी आप उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज एक बीवी के सामने एक हस्बैंड को हम कुछ भी कर लें, दैट्स एन इंसल्ट फॉर दैट पर्सन। सो हम थोड़ा पढ़ा लिखा लोग उसको समझाने की कोशिश करना, अगर वो इतना बेवकूफ है तो वो रिटेलिएट करेगा तो ये मार खा के जाएगा, ठीक है। बट वो बेचारा वैसे तो सिर्फ फिल्म का पार्ट था ना, ऐसे कि फिल्म का पार्ट हो तेरा सपने में भी अगर जिंदगी में नेशनल एंथम आ जाए तो खड़ा हो जाएगा, समझ गया, ये बात याद रखना। इतने में केरला का लोग तो पता है कि मेजर अभी कौन है, तो सर ऑल विशिंग एंड गोइंग, देन ही रियलाइज ये तो बंदा कुछ है, उसको पता नहीं है, माइट बी कहीं से नॉर्थ इंडिया का वहां पे जो नौकरी कर रहा था काम करने वाला, हिंदी फिल्म देखने के लिए आया था। अब मैं ये बोल रहा हूँ वो थिएटर में इतने सारे 80% क्राउड था, उन्होंने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया, दिस इज व्हाट, और सारे मिलकर ऑब्जेक्ट करते तो उसके लिए भी एक सबक होता, सारे नहीं एक भी आदमी बोल दे, एक भी नहीं बोला तो सर मेजर रवि हैड टू कम आउट एंड, तो वो जब देखने के बाद में सभी लोगों को फील किया ये तो सही है, बट देन वी आर नॉट हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड इट, वी एवरीबडी हम में से एक एक आदमी का दिल में ये होना चाहिए कि देशभक्ति जो है इट्स अ प्राउड गर्व।